ये काफी नहीं है? तख्त, तख्त रोम के बच्चों से इख्तदार का वादा करने वाला था। मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे ले लूंगा उस्मान, सबसे पहले ओरहान। छोटा सरदार मेरे हाथों मारा जाएगा। सिपाहियों, हम शिकार के लिए सरपनार जाएंगे। हुजूर, वो जगह खतरनाक है, शिकार के काबिल नहीं। जब हिरन शिकारी से बेहतर जमीन को जानता हो तो शिकारी शिकार हो जाता है। ये हमारी जमीनें हैं, हम जहाँ चाहेंगे शिकार करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया हुजूर, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। मेरे हुजूर, आप इन्हें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कर सके तो? एक सरदार को यही करना चाहिए। देखते हैं ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। सिपाहियों चलिए, हम भरपूर शिकार करेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर। चलिए। तो ये शिकार पर सिपाहियों के साथ जाता है? जी हाँ जनाब। तुम आज खुद शिकार हो गए ओरहान। शहर की किस्मत खराब कर दी, उसके बदले मैं तुम्हें जहन्नुम में डाल दूंगा उस्मान। जहां तुम हो कार्डिनल, वो बहुत पागल होगा कि उस्मान ने तुम्हें मारा है और वो मुझे एक अजीम फौज देगा इसके बदले, और मैं उस्मान को कत्ल करके तख्त संभालूंगा। अफसोसनाक, कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए हर एक को जो मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत करता है। काम में आसानी हो बहनों? शुक्रिया। माशाल्लाह, आप क्या पका रही हैं आलगुन खातून? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या आप इसमें से मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? हरगिज नहीं दूंगी मैं। बात सुनो, इन्हें ज्यादा ही भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दें। जो दिया जाए उसे शुक्र अदा करके खाएं। ये ओरहान साहब के लिए है। ठीक है आलगुन खातून, शुक्रिया। की खुशबू नहीं झरकोता है, अच्छी तरह से छानो इसे। क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को? अच्छी तरह से हिलाओ जब तक ये आपस में मिल ना जाए। झरकोता है, भूख लगी है अलगर खातून। क्या कुछ खाना चाहते हैं? रुके, ये खाकर बताइए कैसा है। केले, और ये रहा आपका चम्मच। क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। क्या मैं ये खा सकता हूँ? जी हाँ, खा लीजिए। रुके, चावल तो चखे ही नहीं आपने। लुत्फ उठाए। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। सलामती हो आप पर। आपका शुक्रिया।
सैर होकर खाइए, इसकी जरूरत है आपको। जरकुत आए थे वो ये जानते हैं कि औरहान साहब को क्या अच्छा लगता है, इसीलिए दे दिया। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। खुदाया हमें देर हो गई। जी कहिए मलहून खातून। बताइए मुझे आर्गुन, और हान का खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार कर दिया मलहून खातून। ठीक है फिर चलें। चलो शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरसुन फकीह, समरकंद, तबरेज और पूरी तुर्क सरजमीनों को खबर पहुंचा दी जाए। सिपाहियों अपनी तलवारें बाहर निकालो। एक नजर देखो जरा, देखकर बताओ जरा किसकी तलवार कलम से ज्यादा तेज है। तलवार से जमीन ली जाती है और कलम से हुक्मरानी होती है। हमें उलमा की उतनी ही जरूरत है जितनी सिपाहियों की हमें जरूरत होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि असातिज़ा को दावत दी जाए, फुकहा को यहां लाया जाए। उन सबको हम अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहेंगे। मेरे हुजूर, जो भी आपने इस वक्त कहा उससे हमें उम्मीद मिलती है। अवाम जानती है कि जब फतह शुरू होती है रोशन कर देती है, यानी शहर को मैं इल्म का गहवारा बनाऊंगा। माशाल्लाह, हम हमेशा अपना मकसद ऊंचा रखेंगे लेकिन हमारी जड़ें जमीन में रहेंगी। हम यानी शहर और उससे आगे के ख्वाब देखेंगे लेकिन हम अपनी जमीनों को नहीं भूलेंगे, वो हमारी बुनियाद है। यही वजह है कि हम का राजा हिसार का जायजा लेने जा रहे हैं। जैसे आप कहोगे। वालिदा, बहादुर मेरे पास आपकी अमानत है। उसकी सांसें मेरी हैं और उसका दिल भी। आप फिक्र ना करें वालिदा, मैं अपना ये फर्ज निभाऊंगी। क्या हुआ खातून? मैं सो गई थी और वालिदा ख्वाब में आई मेरे पास। हाँ।
सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। काली लानत के बारे में बात कर रही थी वो। उन्होंने कहा मेरी बच्ची अपने भाई बतूर का बहुत ख्याल रखना। पी लो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा ने मेरे बाबा को बेटा दिया, लेकिन वालिदा और बाबा बतूर के पैदा होने के फौरन बाद गुजर गए। उसके साथ वक्त नहीं गुजार सके। मैंने बतूर को अपना बेटा समझा, लेकिन मैं आपको एक बेटा भी नहीं दे सकी। तुमने मुझे उम्मीद दी खातून, जिंदगी दी, तुमने मुझे अलजीचिक दी। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाए। आमीन। क्या तुम ये जानती नहीं हो खातून कि अगर मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती तो ये बातूर की बदौलत ही है। परेशान मत हो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैंने बहुत से सींगों वाले शैतानों को देखा, वो सब बहुत जोर जोर से चीख रहे थे, वो मेरे मासूम भाई को कुएं में डाल रहे थे। मुझे बताओ खातून, क्या ये बातूर का पहला फरीजा है? हाँ? एक सरदार की खातून हमेशा सर ऊंचा रखती है। मुझे बेचैनी हो रही है। उस्मान साहब की बात पे अमल करके आपने मेरे भाई को खतरनाक सरहदों पर भेज दिया। बस करो खातून, बस करो। गजा की आग दिल में रखने वाले के लिए कोई सरहद खतरनाक नहीं होती। ये फकत फुतुहात का एक दरवाजा है और हमारे जंगजुओं को इससे गुजरना है, और इस दरवाजे की चाबी बातूर और हमारे जंगजुओं के दिल में है खातून। ये बात याद रखनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि बातूर उस्मान साहब के साथ तजर्बेकार बन जाए, ताकि इस ओहदे पर काबिल बनकर बैठ सके वो। सरदारी मेरे प्यारे भाई पे कितनी जचेगी ना? यकीन बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझ पर भरोसा करो। मुझे यकीन है खातून कि बातूर अपना फरीजा कामयाबी से अंजाम देगा। मेरी बात सुनो, एक वक्त आएगा जब मैं मर जाऊंगा तो ये कबीला उसका हो जाएगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। फिर हमारा बातूर बड़ी शान और शौकत से इस मनसब पर बैठेगा। अल्लाह के हुक्म से वो उस्मान साहब के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और मुस्तकबिल की रियासत का जंगजू होगा खातून, रियासत का जंगजू। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। यहाँ क्या हुआ है? सिपाहियों मोहतात रहना। अगर हम धुआं ना देखते तो ये मंजर देखे बगैर ही चले जाते। क्या इसी को कहते हैं होशियार रहना? हम नाकाम हो चुके हैं, इन सब की वजह हम हैं। उस्मान साहब ने हमें यहाँ की हिफाजत करने को कहा था। पानी, पानी दो मुझे। तुम कौन हो? जल्लाद। सिपाहियों हम या तो शहीद होंगे या फिर गाजी बनेंगे। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। Thank you.
बेवकूफ ओरहान, देखते हैं शिकार कौन होता है। चलें हमला करते हैं। इंतजार करो, अभी नहीं, इनका सारा ध्यान शिकार पे होने दो, उसके बाद हम हमला करेंगे। ये घोड़े वाले अब तक क्यों नहीं पहुंचे? मर चुके हैं सबके सब। माशाल्लाह, हमला करो। हुजूर, सिपाहियों, ये घात है। यहाँ से निकलना होगा। सिपाहियों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। छोटे जंजू, पहले तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो। तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी। पहले तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। उस्मान मुझसे अपने बेटे की लाश की भीख मांगेगा। सिपाहियों, सब होशियार हो जाओ। कौन है कमबख्त? अतराफ में नजर दौड़ाओ।
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हान साहब के सिपाही हैं। निशाना तलाश कर उनके। जैसे आपका हुक्म। और हान, ये घोड़ा तो और हान का है। आयास। जी हुजूर। ये झंडा लेकर जाओ और इंतहाई गौर से उनके निशानात का पीछा करो। जैसे आपका हुक्म। अगर उन्होंने मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं कसम खाती हूं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हुजूर, निशानात इधर जा रहे हैं। उस्मान, परेशान मत हो मलहूं, और हान मुजाहमत करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जाओ। हमें इस सामान का जायजा लेना है। चलो खोलो इसे, देख क्या रहे हो। इन्हें नहीं खोल सकते। सामान को देखे बगैर आप अंदर नहीं जा सकती। सिपाही, क्या हो रहा है यहाँ? सामान दिखाने से मना कर रही थी। खोले इसे जरा। रुको, उस्मान साहब के लिए तहाइफ है इसमें। मेरे भाई लियो ने मुझे यहां लाने के लिए कहा था। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? उस्मान साहब की खातून हूं, बाला खातून। आपको पहले यहां कभी नहीं देखा। अपना नाम बताएंगी? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। पहनावे से लग रहा था कि आप कोई बहुत अहम है, ये नहीं पता था कि आप कौन हैं। मेरा नाम मार्था है। मार्था? सब ठीक है, तहाइफ बहुत अच्छे हैं मार्था। लियो आफंदी की दुकान उस तरफ है। मार्टा, मेरी प्यारी बहन। भाईजान, क्या तुम बाला खातून से मिली? इन तहाइफ के लिए आपका बहुत शुक्रिया मार्टा, मगर लियो शायद आपको बताना भूल गए हैं। उस्मान साहब ताजरों से तहाइफ कबूल नहीं करते, वो उनके लिए अदायगी करते हैं। अगर ऐसा है तो शुक्रिया आपका बाला खातून। ठीक है फिर, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। बाला खातून, उस्मान साहब की मोहब्बत। मार्टा से मिलना ऐसा है जैसे मौत से मिलना। जल्दी तुम फिर से मिलोगे। उठाओ उसे। तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए बेताब हूं। गर्दन तो इस वक्त मैं तुम्हारी उतार सकता हूं, और ऐसा होगा भी।
लेकिन मौत तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी। उस्मान से पहले तुम्हारी मौत होगी, वो भी ऐसी कि शैतान भी कांप उठेगा। बात करो आगे। तुम्हारी बारी इसके बाद भैंसी भी आने वाली थी, लगता है पहले तुम मरोगे। हम आ गए और तुम इससे बच जाओगे। तुमने हम पर हमला किया, मासूम लोगों की जाने ली और हमारे घोड़े चुरा लिए, ये तुम्हारी सजा है। Oh,
बेटा। बोलो, तुरका रहे हैं। मुझे उन्हीं का इंतजार था। सब्र करो अरहान, सब्र करो। को दफन करने से पहले तुम्हें भी जमीन में जाना होगा। इधर देखो मुझे, इससे पहले कि अपने किए की कीमत अदा करो, ये जमीन भी तुम्हारे लिए हराम है। जमीन तुम जैसे कमजोरों के लिए है, हम वल्हाला जाएंगे। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की तुमने। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपने बेटे को, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरने वाले हो। जो कोई भी हमें छूने की कोशिश करता है वो उसकी कीमत भी जरूर चुकाता है। जानते हो ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को तुमने छूने की हिम्मत कैसे की? कैसे की हिम्मत? तो तुमने मेरे बेटे की उंगलियां तोड़ दी हाँ? अब मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगा, देखना। फिर ना तो तुम तलवार पकड़ सकोगे, ना ही किसी बेगुनाह को हाथ लगा सकोगे। मेरे बेटे की टूटी हड्डियां तो जुड़ सकती हैं, तुम्हारा क्या होगा? चिल्लाओ, चिल्लाओ, मेरी सरजमीनों में सिर्फ मासूम लोगों की ही आवाज सुनाई देती है, तुम जैसे कमीनों की आवाज कोई नहीं सुनता हमारे यहां। जितना जोर से चाहो चिल्लाओ, यहां कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। आ! 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 आ!